नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं सुबह 8 की बात और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। टॉप 10 खबरों के बाद और हेडलाइंस के बाद अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और विस्तार से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना कमजोर हो रहा है। 24 घंटे में आधिकारिक आंकड़े हैं नए केसेस के 3,957 और उससे ज्यादा 10,441 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं या घर के आइसोलेशन में ही ठीक हुए हैं। वहीं एक दिन में 163 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत की खबर आ रही है। इतना ही नहीं, 11 जिलों में अब संक्रमण न के बराबर है, सिंगल डिजिट में वहां पर मामले आए हैं। जैसे कासगंज और चित्रकूट में मात्र एक एक कोविड केस सामने आया, जबकि कौशाम्बी में 2 मामले सामने आए, जबकि प्रदेश के 26 जिलों में कोविड से कोई मृत्यु नहीं हुई है। तो ये सरकारी आंकड़े राहत की खबर दे रहे हैं, ये राहत की कहानी बता रहे हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। शैलेश, निश्चित रूप से इन आधिकारिक आंकड़ों से राहत की खबर मिल रही है, पता चल रहा है कि किस तरीके से चीजें नियंत्रण में आई हैं और उसके पीछे हो सकता है कोरोना कर्फ्यू एक बड़ा फैक्टर हो, लोगों का सतर्क होना भी बड़ा फैक्टर हो, लेकिन क्या गांव में और इंटीरियर्स में उसी प्रकार से टेस्ट हो रहे हैं या कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं जिस प्रकार से दरकार है या जिस प्रकार से वहां पर संक्रमण की खबरें आ रही हैं या आती रहती हैं? बिल्कुल राजेंद्र, ये राहत भरी बात भी है और कोरोना कर्फ्यू का असर भी है, जिसके चलते केसेस की संख्या में बहुत बड़ी कमी आई है। और खुद मुख्यमंत्री ने अपनी टीम 9 की बैठक में जब पिछले अगर 2 हफ्ते की भी बात करें, जब कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया तो मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा है कि कोरोना कर्फ्यू के सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं और यही वजह है कि इस कर्फ्यू को अभी आंशिक कोरोना कर्फ्यू को और एक्सटेंड किया जाता रहा है। बहरहाल, जहाँ तक गाँव की बात करें तो देखिए, गाँव में ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार एबीपी गंगा ने मोर्चा संभाला, ग्रामीण क्षेत्रों की हकीकत को दिखाया, उसके बाद पहले के मुकाबले कुछ रफ्तार जरूर पकड़ी है। वहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है, जो स्वास्थ्य महकमा है, पहले के मुकाबले एक्टिव हुआ है और टेस्टिंग को कुछ बढ़ाया भी गया है। अब जहाँ तक बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में नियंत्रण की या पूरे प्रदेश की, तो देखिए सीएम ने निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने 2 चीज़ों पर काम करना शुरू किया है। पहला, जहाँ पर भी 1,000 से ज़्यादा एक्टिव केस है वहाँ पर अतिरिक्त टीमें लगाकर जाँच का दायरा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जहाँ केस ज़्यादा होंगे वहाँ संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तो इसको देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जाँच की जाए। दूसरी चीज़, यहाँ पर 100 से ज़्यादा केस आ रहे हैं 24 घंटे के दौरान जो आंकड़ा जारी होता है, जहाँ 100 से ज़्यादा केस मिल रहे हैं वहाँ पर भी जांच के दायरे को बढ़ाया जाएगा। तो इन 2 स्ट्रेटेजी पर फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने काम शुरू भी कर दिया अपना, जहाँ पर 1,000 से एक्टिव केस है और ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनका ये मानना है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर प्रदेश में लगभग जितने जिले हैं, शायद ही कोई ज़िला बचे जहाँ पर 1,000 से ज़्यादा एक्टिव केस होंगे, यानी लखनऊ की भी बात करें, कई और ज़िलों की बात करें जहाँ पे अधिक केस है, लखनऊ में जैसे इस बात करें तो 4,000 से ऊपर केस है, 5,000 से नीचे, तो इन सब जिलों में एक उम्मीद लगाई जा रही है कि एक्टिव केस की जो संख्या है वो 1,000 के नीचे आ जाएगी। बहरहाल, देखना ये होगा कि जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो सामने चीज़ें हैं वो किस तरह से निकल कर सामने आती हैं, क्योंकि अभी फिलहाल 21 मई तक कोरोना कर्फ्यू है। कोरोना कर्फ्यू का असर भी अच्छा दिख रहा था राजेंद्र, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में एक जो बड़ा बदलाव देखने को मिला है करीब 1.5 हफ्ते में, वो ये कि जब इससे पहले वाले हफ्ते में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया तो पब्लिक का मूवमेंट हमने देखा कि बढ़ गया सड़कों पर, यानी कहीं ना कहीं उनके सब्र का बांध टूटा और वो अब उस तरह से पालन करते हुए नजर नहीं आते कोरोना कर्फ्यू का। इसके बाद इस बार जब फिर से कोरोना कर्फ्यू को एक्सटेंड किया गया, पहले देखे सोमवार को कोरोना कर्फ्यू खत्म होना था, लेकिन रविवार की टीम 9 की बैठक में इसको बढ़ा दिया गया 31 मई तक। इस बार जब कोरोना कर्फ्यू एक्सटेंड हुआ तो फिर एक बार हमने देखा कि सड़कों पर लोगों का मूवमेंट बढ़ गया है, कई बार लोग सड़कों पर अब बिना मास्क के भी नजर आने लगे, यानी इस बात से ये साफ जाहिर है कि जो रणनीति बनाई गई कोरोना कर्फ्यू जिस मकसद से लगाया गया उसका देखिए असर तो दिखे, लेकिन अगर पब्लिक इसमें सपोर्ट नहीं करती, सहयोग नहीं करती है, दूसरी चीज़ अगर वो सहयोग नहीं करते तो जिला प्रशासन पुलिस को सख्त होना होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो मंशा है, जिस मंशा से कोरोना कर्फ्यू को लगाया गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो मंशा पूरी नहीं हो पाएगी या उसका वो परिणाम नहीं मिलेगा जिसकी अपेक्षा है। ठीक है, आपने शैलेश हमारे साथ बने रही आप। एक बड़ी खबर इसी बीच में लखनऊ से हमारे पास, 1 जून से सभी जिलों में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाने की तैयारी पूरी। परिवार कल्याण महानिदेशालय ने सभी सीएमओ से डिमांड मांगी है। टीका शुरू होने के बाद 15 दिनों तक समस्या नहीं आने का दावा भी किया गया है। सभी जिलों में टीकाकरण का 1 महीने का बैकअप लेकर चलने का प्लान है।
और बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन से पहले छात्र छात्राओं के टीकाकरण को लेकर अखिलेश यादव के ट्वीट पर यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि यूपी सरकार सभी लोगों के वैक्सीनेशन के लिए फिक्रमंद है और प्रतिबद्ध है। दिनेश शर्मा ने इस मुद्दे पर अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि पहले वो वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बता रहे थे, लेकिन अब वैक्सीनेशन को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर चल रही अटकलों के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पहले टीका फिर परीक्षा, नो एग्जामिनेशन विदाउट वैक्सीनेशन, यानी बिना टीकाकरण के परीक्षा नहीं। इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जो कहा, अब आपको देखिए। उत्तर प्रदेश में भी एक वरिष्ठ राजनेता ने तो बीजेपी की वैक्सीन कह दिया, कहा जब हम सत्ता में आएंगे तब वैक्सीन लगेगी। अब मुझे आश्चर्य होता है, लेकिन बीजेपी का जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, हम पारदर्शी और सर्व जो चिंता करने वाली सबकी ये सरकार है, और मुख्यमंत्री जी ने पहले से कह रखा है कि जो 18 साल से ऊपर के नवयुवक हैं या परीक्षा में बैठने वाले हैं, प्राथमिकता के आधार पर उनका वैक्सीनेशन हो। जो शिक्षक ड्यूटी पे लगने वाले हैं या कर्मचारी ड्यूटी पे लगने वाले हैं, उनकी प्राथमिकता के आधार पर उनका वैक्सीनेशन हो, उनका रजिस्ट्रेशन हो वैक्सीनेशन के लिए। इसके लिए पहले ही वो निर्देशित कर चुके। बड़ी खबर है, कानपुर में कोविड टीकाकरण को गति देने में जुटा है जिला प्रशासन। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में आज से मेगा वैक्सीनेशन कैंप शुरू होगा। वैक्सीनेशन कैंप सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 6 सेशन और 45 वर्ष से ज्यादा के लिए 1 सेशन चलाया जाएगा, और हर सेशन में 200 लोगों का वैक्सीनेशन होगा। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। तो कानपुर में जिला प्रशासन लगा हुआ है ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट करने के लिए, और युवा प्रोत्साहित हो, वो वैक्सीन सेंटर्स तक पहुंचे, वैक्सीन लगवाएं, इसके लिए एक सेल्फी पॉइंट भी बना दिया गया है। अगली बड़ी अपडेट लखनऊ से है। लोकबंधु अस्पताल को डॉक्टर मिला, नर्स और टेक्नीशियन का स्टाफ भी मिला है, और अब 18 वेंटिलेटर्स वहां पर शुरू हो जाएंगे। अभी अस्पतालों को 41 लोगों का और स्टाफ मिलेगा। अस्पताल को तीसरी लहर के लिए तैयार किया जा रहा है। अस्पताल में 200 बेड्स का अस्पताल तैयार हो रहा है। तो और स्टाफ मिलेगा अस्पताल को तीसरी लहर के लिए, इसे तैयार किया जा रहा है। टेक्नीशियंस भी मिलेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ भी मिलेगा, डॉक्टर्स भी मिलेंगे। 200 बेड्स का हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। और मुख्यमंत्री योगी पूर्वांचल दौरे का तीसरा दिन है आज। गोरखपुर से कुशीनगर, देवरिया जाएंगे मुख्यमंत्री। कुशीनगर और देवरिया में कोरोना की तैयारियां देखेंगे, कोरोना से युद्ध की, संघर्ष की तैयारियां देखेंगे। शाम 5 बजे फिर वो गोरखपुर वापस लौटेंगे। तो गोरखपुर से कुशीनगर और देवरिया जाएंगे मुख्यमंत्री, और फिर शाम को 5 बजे वो वापस गोरखपुर लौटेंगे। ये कार्यक्रम है आज मुख्यमंत्री का। पूर्वांचल दौरे का आज तीसरा दिन होगा। गोरखपुर से ही वो रवाना होंगे कुशीनगर और देवरिया के लिए, और फिर वापस गोरखपुर आएंगे। फिलहाल वाराणसी चलते हैं। नीतीश पांडे हमारे सहयोगी, वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। कल सुबह तक वाराणसी में थे मुख्यमंत्री, और अभी भी पूर्वांचल में ही बने हुए हैं। मुख्यमंत्री के वाराणसी दौरे का और पूर्वांचल के जिलों के दौरे का क्या असर आपको वाराणसी मंडल में दिखाई दे रहा है? नीतीश, गवर्नमेंट मशीनरी, प्रशासनिक मशीनरी कितनी चुस्त है, चीजें किस तरीके से हैंडल की जा रही हैं? कल जो 3 ड्रोन्स की बात आपने बताई कि उनसे सैनिटाइजेशन किया जाएगा, दवाइयां वितरित की जाएंगी, क्या वो वाकई हो रहा है या सिर्फ शुरुआत हुई है उसकी? नीतीश, सब कुछ बताएं। राजेंद्र जी, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री का जो पूर्वांचल दौरा है, और पूर्वांचल दौरे का जो तीसरा दिन है, वो साफ तौर पर अधिकारी तंत्र के साथ जनता को भी ये संदेश है कि आप डरे नहीं, कोरोना से निपटने के लिए सरकार तैयार है। आपको बताएं कि जिस तरह से बनारस में कल मुख्यमंत्री ने 3 ड्रोन की शुरुआत की, तो उससे सैनिटाइजेशन होगा, क्योंकि काशी गलियों का शहर है, वहाँ पर सैनिटाइजेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। गलियों में सैनिटाइजेशन में दिक्कत आ रही थी, छोटी गाड़ियाँ ले जानी पड़ रही थी, अंदर तक सैनिटाइजेशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ऊपर से हवाओं से सैनिटाइजेशन किया जाएगा, जागरूकता लाई जाएगी, और इसके साथ अत्याधुनिक ड्रोन के माध्यम से काशी को एक नया रूप दिया जाएगा। बल्कि यूँ कहें तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है उसको सफल बनाने के साथ सुविधा आपके द्वार, ये संदेश दिया जाएगा। तो आज मुख्यमंत्री कुशीनगर और देवरिया का दौरा करेंगे। कुशीनगर और देवरिया के दौरे पर मुख्यमंत्री
आज भी कोविड इंतजामों से जुड़ी हुई बैठक करेंगे और इसके साथ ही एक गांव में भी जाएंगे मुख्यमंत्री। अब गांव में जाने का अगर बात करें तो जिस तरह से वाराणसी में कल ग्रामीण क्षेत्रों को जिस तरह से मुख्यमंत्री ने संदेश दिया कि गांवों में भी जो कोरोना के पीड़ित है वो भी परेशान ना हो, पूरी व्यवस्था की जाएगी, और आज कुशीनगर और देवरिया में इस तरह का संदेश मुख्यमंत्री प्रसारित करेंगे। और अगर तीसरी बात करें तो डेडिकेटेड कोविड अस्पताल का आज यहां पे उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे। तो गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया के लिए आज खास दिन है, कल बनारस, और इसके साथ ही अगर बात करें तो परसों के दिन आजमगढ़, और कल के ही दिन अगर बात करें तो मिर्जापुर मंडल के लिए भी खास दिन था। तो पूर्वांचल दौरा मुख्यमंत्री का अहम इसलिए कि कोविड की दूसरी लहर में प्रशासन लगातार सफलता पा रहा है, और आने वाली अगर लहर है तो उससे भी निपटने के लिए यूपी सरकार और यूपी के अधिकारी पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीतीश। आप बता रहे हैं कि प्रशासनिक मशीनरी चुस्त दिखाई दे रही है, और गाँव में भी आशा बहुएं, आशा कार्यकर्त्रियां मुख्यमंत्री के प्रोत्साहन के बाद, उनके मार्गदर्शन के बाद सक्रिय दिखाई दे रही है, अच्छी बात। बड़ी खबर लखनऊ से, सहारा अपोलो और मेदांता अस्पताल को नोटिस दिया गया है, बेड्स की गलत जानकारी देने पर नोटिस जारी किया गया है। प्रभारी अधिकारी रोशन जैकब ने नोटिस भेजा है, अस्पतालों ने बिना प्रशासन को जानकारी दिए पोर्टल पर बेड्स की संख्या घटा दी, इसलिए इन्हें नोटिस दिया गया है। ये बड़े अस्पताल है लखनऊ के। प्रभारी अधिकारी रोशन जैकब ने इन्हें नोटिस भेजा है, इन अस्पतालों ने बिना प्रशासन को बताए पोर्टल पर अपने बेड्स की संख्या घटा दी। सारा अस्पताल, अपोलो अस्पताल और मेदांता अस्पताल को इसीलिए नोटिस जारी किया गया। अगली बड़ी खबर लखनऊ से यह, टीकाकरण बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करेगी सरकार, अफवाहें दूर करने के लिए कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बना रही है सरकार, टीकाकरण के लिए ग्रामीणों का अधिक पंजीकरण कराने की भी योजना है, फ्री पंजीकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जन सुविधा केंद्रों की व्यवस्था की गई, आशा, आंगनबाड़ी वर्कर्स और पंचायत प्रतिनिधि लोगों को जागरूक करेंगे, पहचान पत्र नहीं होने पर भी वैक्सीनेशन होगा, ये बड़ी खबर। लोगों को जागरूक किया जाएगा इन लोगों के द्वारा, आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा, आंगनबाड़ी वर्कर्स के द्वारा, और पहचान पत्र अगर नहीं भी होगा तो भी उन लोगों का वैक्सीनेशन होगा। और एक बड़ी अपडेट आपको देने, उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस कहर बरपा रहा है, प्रदेश में ब्लैक फंगस का आंकड़ा 700 के पार चला गया है, यूपी में ब्लैक फंगस से अब तक 40 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है, लखनऊ में ही ब्लैक फंगस के 225 से ज्यादा मामले हैं, आप अंदाजा लगाइए प्रदेश में क्या स्थिति है, 700 से मामले ज्यादा प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के, 40 लोगों की मौत इस भयावह बीमारी से, अकेले लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में 225 मामले। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ बने हुए हैं, शैलेश लगातार हम बात कर रहे हैं, एबीपी गंगा लगातार अपने दर्शकों को बता रहा है ब्लैक फंगस के खतरे के बारे में, बल्कि जो नए फंगस सामने आए हैं, चाहे वो व्हाइट फंगस हो या येलो फंगस हो, उसके बारे में 700 का आंकड़ा और 40 लोगों की मौत, कैसे लड़ाई होगी आगे इस भयावह बीमारी से शैलेश? राजन देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है इसकी दवाई, इसका इलाज, क्योंकि देखिए 700 से ज़्यादा मामले अभी सामने आ चुके हैं पूरे प्रदेश में, लगभग 40 मौतें हो चुकी हैं इससे, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो है इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन। उत्तर प्रदेश की मांग को देखते हुए केंद्र ने प्रदेश को अतिरिक्त इंजेक्शन भी दिए, लेकिन उसके बावजूद जितनी ज़रूरत है वो संख्या उससे बहुत कम है। अगर सिर्फ हम राजधानी लखनऊ की बात करें, पूरे प्रदेश की ना करें, सिर्फ राजधानी लखनऊ में जो आज की ज़रूरत है, निजी अस्पतालों की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर चिकित्सा शिक्षा विभाग इंजेक्शन उपलब्ध कराता है मरीजों को, लेकिन जो निजी अस्पताल में मरीज भर्ती हैं उनके लिए मंडलायुक्त कार्यालय से अनुमति, स्वास्थ्य विभाग की अनुमति, एक 3 सदस्यीय समिति के पूरा फैसला, और उसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी से उपलब्ध कराए जाते हैं। तो उसका हाल ये है कि निजी अस्पतालों के लगभग 70 मरीजों को अनुमति मिल चुकी है इंजेक्शन देने की, जो आवश्यकता है उनके लिए इंजेक्शन की वो लगभग 1200 से 1300 इंजेक्शन की है, क्योंकि एक दिन में 6 इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है, एक मरीज को 3 दिन की डोज यानी 18 इंजेक्शन देने होते हैं, लेकिन जो उपलब्धता की अगर हम बात करें तो अब तक बहुत कम संख्या में उपलब्ध कराए जा चुके हैं। अभी तमाम ऐसे मरीज हैं, अधिकतर ऐसे मरीज हैं निजी अस्पतालों के, बल्कि हम कहें जिन्हें इंजेक्शन की एक डोज भी नहीं मिल पाई है।
लेकिन मिले भी कैसे, क्योंकि जब यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के पास ही इंजेक्शन नहीं है तो आखिर उन लोगों को दिया कैसे जाएगा। अनुमति पत्र जारी किए जा रहे हैं, उस अनुमति पत्र को लेकर लोग रेडक्रॉस सोसाइटी के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, अपने परिजन अपने घर के लोगों की जान बचाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। कल भी देर रात बहुत छोटी सी एक केप रेडक्रॉस सोसाइटी लखनऊ पहुंची, रात 10 बजे के करीब लोगों को फोन करके बुलाया गया, लेकिन तब भी बहुत से लोग थे जिनको एक भी इंजेक्शन नहीं मिला। हालत यह है कि जिन लोगों को 22 मई को पत्र जारी किए गए थे इंजेक्शन लेने के लिए कि उन्हें मिले, उनके लिए भी इंजेक्शन अभी पूरे नहीं हो पाए हैं। तो ये हालात है, 3 दिन जिनको इंजेक्शन लगना है उनके लिए भी, ये मानकर चलिए जिन्हें 23 तारीख को 3 दिन की डोज मिली उनकी डोज भी अब खत्म, आज 26 तारीख हो गई है, ऐसे में अब उनकी भी आगे जो जरूरत है वो बढ़ चुकी है। कैसे ये पूरी होगी जरूरत देखने वाली बात है। लगातार यही कहा जा रहा है कि इस इंजेक्शन की इतनी मांग कभी नहीं होती थी, बहुत रेयर केस इसके सामने आते थे, इसकी वजह से इसकी जो प्रोडक्शन था जो उत्पादन था वो भी कम है, लेकिन इन चीज़ों से बीमारी को फ़र्क नहीं पड़ता। जो बीमार है, जो अस्पताल में भर्ती है, जिसे इलाज की ज़रूरत है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको इलाज से फ़र्क पड़ता है। और ऐसे में जब इंजेक्शन नहीं मिल रहा तो दूसरा जो उसका तरीका निकाला जा रहा है सर्जरी, क्योंकि अधिकतर लोगों को अब सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही है वो की जा रही है, लेकिन जो मौतें हैं वो भी सबके सामने हैं, जो केस हैं वो भी सबके सामने हैं। देखना होगा कि अब इस हालात से कैसे मुकाबला किया जाता है, क्योंकि जब कोरोना देखिए एक चीज बहुत स्पष्ट है शैलेश आपकी रिपोर्ट से कि इसका जो इंजेक्शन है इसके इलाज के लिए आवश्यक इंजेक्शन है एम्फोटेरिसिन बी, उसके लिए लोग परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं और वो इंजेक्शन उन्हें नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले जो होना चाहिए वो ये कि इस इंजेक्शन की उपलब्धता की जाए, इसकी उपलब्धता भरपूर मात्रा में हो ताकि इन मरीजों को ये इंजेक्शन आवश्यक इंजेक्शन तो तत्काल मिल सके। इसकी लड़ाई में ये बहुत अब महत्वपूर्ण हो गया है। शैलेश बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आपने डिटेल्स दी। निजी अस्पतालों में भर्ती ब्लैक फंगस के मरीजों को अब 8 मंडलों से एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन मिलेगा। पहले सिर्फ 4 मंडल्स में इस इंजेक्शन की व्यवस्था थी। वाराणसी, लखनऊ, आगरा, मेरठ, झांसी, कानपुर, बरेली और गोरखपुर मंडलों में ये अब इंजेक्शन मिलेगा। बाकी मंडलों को इंजेक्शन के लिए इन 8 मंडलों से संबद्ध कर दिया गया है। मिर्जापुर को वाराणसी, अयोध्या और देवीपाटन को लखनऊ, अलीगढ़ को आगरा और सहारनपुर को मेरठ मंडल से संबद्ध किया गया है। ऐसे ही चित्रकूट को झांसी, प्रयागराज को कानपुर, मुरादाबाद को बरेली और बस्ती और आजमगढ़ को गोरखपुर मंडल से संबद्ध किया गया है। 8 मंडल बनाए गए, 8 मंडल हैं जहां पर ये एम्फोटेरिसिन बी का इंजेक्शन उपलब्ध होगा। बाकी के मंडलों को इनसे संबद्ध किया गया है, यानी उन्हें इन मंडलों में जाकर, 8 मंडलों में जाकर ये इंजेक्शन प्राप्त करना होगा। अगली बड़ी अपडेट लखनऊ से। कोरोना के दौरान 1 साल में पुलिस ने 175 करोड़ रुपए वसूले। 1 साल में पुलिस ने चालान के जरिए 94 करोड़ रुपए वसूले। मास्क न लगाने पर 81 करोड़ रुपए वसूले हैं पुलिस ने। और 1 साल में 95,431 गाड़ियों को सीज भी किया है। मास्क न लगाने पर 50,45,640 लोगों का चालान किया गया। ये जानकारी दी है एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार। एक और बड़ी खबर लखनऊ से ही है। पुलिस पर कोरोना का बड़ा अटैक हुआ है। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित 163 पुलिस कर्मियों की मौत हो चुकी है। अभी भी 1,979 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित है। 9,246 पुलिसकर्मी फिलहाल क्वारंटीन है। यह चिंता की बात है और इससे पता चलता है कि पुलिसकर्मियों ने कितना त्याग किया है कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर। इस खबर के साथ हम लोग छोड़ेंगे।